हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय के अंतिम भाग भाग 10 को पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है और रूपांतरण की सीमांत दर किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि अवसर लागत क्या होती है। दोस्तों इसको जानने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि लागत क्या होती है। दोस्तों लागत शब्द आपने अपनी डेली लाइफ में जरूर सुना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लागत क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, वस्तुओं को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है या जो व्यय किया जाता है उसे हम लागत कहते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि अवसर लागत को कैसे परिभाषित किया जाता है। दोस्तों किसी गतिविधि की अवसर लागत उसके लिए त्याग किया गया दूसरा विकल्प होता है। दोस्तों इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत अवसर लागत कहलाती है। चलिए दोस्तों इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान है और इस किसान के पास एक खेत है। दोस्तों यह किसान इस खेत में बीज बोना चाहता है और इसके सामने चयन की समस्या आती है कि यह कौन सी फसल की खेती करे। दोस्तों आप पहचान ही गए होंगे कि चयन की समस्या कौन सी समस्या है। चलिए जल्दी से बता दीजिए यह कौन सी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, यह आर्थिक समस्या है। दोस्तों इस किसान को अब यह चयन करना है कि यह ईख की फसल उगाए, गेहूं की फसल उगाए या चावल की फसल उगाए। दोस्तों अब किसान हिसाब लगाता है और सोचता है कि कौन सी फसल उगाने से कितना मुनाफा होगा। दोस्तों ईख उगाने से किसान को 80,000 का मुनाफा होता है, वहीं गेहूं उगाने से किसान को 60,000 का मुनाफा होता है और चावल उगाने से किसान को 50,000 का मुनाफा होता है। दोस्तों अब किसान चयन करता है और सबसे ज्यादा मुनाफा क्योंकि ईख से हो रहा है तो ईख को चुनता है और गेहूं की फसल नहीं उगाता। दोस्तों क्योंकि किसान ने ईख को चुना तो यह इसका चयनित विकल्प हुआ। किसान के पास ईख के बाद सबसे मुनाफे का विकल्प गेहूं था, इसलिए गेहूं ईख को चुनने की अवसर लागत हुई। और अगर ईख विकल्प ना होता और केवल गेहूं और चावल में चयन करना होता तो किसान गेहूं को चुनता और चावल गेहूं चुनने की अवसर लागत होती, क्योंकि गेहूं के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प चावल है और इसका त्याग किसान ने गेहूं के लिए किया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प त्यागने की लागत को अवसर लागत कहते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं दूसरा सर्वोत्तम विकल्प ही अवसर लागत कहलाता है। चलिए दोस्तों
आप जानते हैं कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है? दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार सीमांत अवसर लागत से तात्पर्य एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा से है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए एक क्विंटल गेहूं का त्याग करना पड़ता है, तो यहाँ एक ट्रैक्टर की सीमांत अवसर लागत एक क्विंटल गेहूं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने उत्पादन संभावना वक्र की वीडियो में एक अनुसूची बनाई थी। उस अनुसूची में हमने गेहूं और ट्रैक्टर के उत्पादन को दिखाया था। दोस्तों, चलिए इस अनुसूची के द्वारा सीमांत अवसर लागत को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर इस अनुसूची को देखा जाए तो जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे ट्रैक्टरों के रूप में गेहूं की सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है, जैसे अंतिम कॉलम में दिखाया गया है। दोस्तों, संयोग ए से संयोग बी में जाने पर 100,000 टन गेहूं की सीमांत अवसर लागत 1,000 ट्रैक्टर है। इसी प्रकार संयोग सी में 100,000 टन गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए 2,000 ट्रैक्टरों का उत्पादन 2,000 ट्रैक्टरों का उत्पादन छोड़ना पड़ता है, अर्थात 100,000 टन गेहूं की सीमांत अवसर लागत अब 2,000 ट्रैक्टर है। इसी रीति से संयोग डी में 100,000 टन गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन करने की सीमांत अवसर लागत 3,000 ट्रैक्टर है और संयोग ई में 100,000 टन अतिरिक्त गेहूं उत्पादन करने की सीमांत अवसर लागत 4,000 ट्रैक्टर है और संयोग एफ में 100,000 टन अतिरिक्त गेहूं उत्पादन करने की सीमांत अवसर लागत 5,000 ट्रैक्टर है। दोस्तों, अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो अतिरिक्त गेहूं उत्पादन करने के लिए ट्रैक्टरों के रूप में सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है। दोस्तों, यही कारण है कि पीपी वक्र का आकार मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रूपांतरण की सीमांत दर किसे कहते हैं। दोस्तों, रूपांतरण की सीमांत दर एक वस्तु की इकाइयों का वह अनुपात है जिसका त्याग दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसे हम एक समीकरण द्वारा समझते हैं। दोस्तों, रूपांतरण की सीमांत दर या MRT वस्तु की त्यागी गई इकाइयां बटे में दूसरी वस्तु के उत्पादन की बढ़ाई गई इकाइयां है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अवसर लागत किसे कहते हैं, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं और रूपांतरण की सीमांत दर क्या है। दोस्तों, यह आपके पाठ का अंतिम भाग था। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों,
इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय में से इस पाठ को अवश्य पढ़ें।